हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहुत से किसान साथियों ने मुझे कमेंट किया है कि सर, हमारे एरिया में कौन सा मुर्गी पालना सही रहेगा और चूजा हमें कहाँ मिलेगा। इसके अलावा हमारे राज्य के मौसम में मुर्गी को कैसे पालना चाहिए और कौन कौन सा दवा देना चाहिए, यानी कि मुर्गी पालन से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन मेरे उत्तर प्रदेश के किसान साथियों ने मुझे कमेंट करके पूछा है। तो आज के इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश में मुर्गी पालने में क्या क्या समस्या आती है और उसे कैसे निदान पाया जा सकता है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में मोटा पैर वाले मुर्गी का डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। मोटा पैर मतलब क्रॉलर डबल FG, वन राज, DP क्रॉस, इन ब्रीड का वहाँ पर मांग ही नहीं है। अगर कोई किसान साथी इसका फार्मिंग कर लेता है तो उसको 120-130 रुपये किलो में सेल करना पड़ता है, और कई जगह हैं जहाँ पर 150 से 170 रुपये में भी ये बिक जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कई किसान साथी ऐसे हैं जो मात्र 20 दिन तक ही क्रॉलर डबल FG के चूजे को पालते हैं। जैसे ही वो 250 ग्राम के आसपास का होता है, वो उन्हें फेरी वाले को दे देते हैं या तो खुद गांव-गांव में घूम-घूम कर नग हिसाब से सेल करते हैं। तो ऐसे अगर आप काम करना चाहते हैं तो सेलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गांव वाले उसे दो चार रख करके फ्री रेंज में अपना घर में शौक के लिए पाल लेते हैं। और बड़ा रूप में अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसका मार्केटिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ही कम है। दोस्तों, क्रॉलर डबल FG से थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड DP क्रॉस का है, क्योंकि DP क्रॉस का जो टेस्ट है वो खाने में क्रॉलर डबल FG से अच्छा है, इसलिए बहुत लोग इसको पसंद भी करते हैं। लेकिन ये थोड़ा लेट से तैयार होता है, ये 90 दिन में 2 kg नहीं होता है। इसको लगभग 120 से 30 दिन लग जाता है 2 kg होने में, और FFG जो है आपका 90 दिन में 2 kg के आसपास हो जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो मोटे पैर वाले जो मुर्गी हैं उनका डिमांड लगभग एक समान है, लेकिन DP क्रॉस का थोड़ा सा ज़्यादा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी सोनाली मुर्गी का, और इसी का फार्मिंग भी सबसे ज़्यादा अभी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, क्योंकि इसका स्वाद प्योर देसी मुर्गी की तरह होता है, इसलिए लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। और उत्तर प्रदेश से हैचरी बहुत नज़दीक में है। ज़्यादातर जो हैचरीज हैं सोनाली के, वो पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है, बिहार में है, और कुछ उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो उत्तर प्रदेश में सोनाली के चिक्स कम रेट में मिल जाते हैं, वैसे क्रॉलर डबल FG के चिक्स भी उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम रेट में मिलते हैं, क्योंकि जो केक कंपनी का हैचरी है वो उत्तर प्रदेश में है, इसलिए वहाँ रेट कम पड़ता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोनाली मुर्गी का डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहली ही बार में 5,000-10,000 मुर्गी पालेंगे और उसको सेल कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पहली बार मुर्गी पालन करते हैं तो आपके पास ग्राहक नहीं होते हैं, आपको घूम कर मार्केट बनाना पड़ता है, कटर लोगों से मिलना पड़ता है, जो छोटे थोक ग्राहक होते हैं उनको मिलना पड़ता है, और इसी तरह से धीरे धीरे ही हमारा काम आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, सोनाली मुर्गी का फार्मिंग तो आप उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, लेकिन उसका मार्केटिंग भी आपको करना ज़रूरी है, मार्केटिंग सीखना भी ज़रूरी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोनाली मुर्गी का जो रेट है वो अलग अलग ज़िलों में अलग अलग है। कहीं पर इसका थोक रेट 170 रुपये है, तो कहीं पर 200-220 रुपये तक भी थोक में निकल जाता है। और इसका रिटेल की अगर हम बात करें तो एवरेज यह 200 से लेकर के 250 तक आसानी से सेल हो जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है और न ही बहुत ज़्यादा गर्मी। जिस तरह से साउथ में गर्मी पड़ता है, उतना यहाँ पर नहीं पड़ता है, इसलिए आप कोई भी मुर्गी को यहाँ पर पाल सकते हैं। लेकिन बीमारी तो हर जगह पे आता है, तो उत्तर प्रदेश में भी मुर्गियों में बीमारी देखने को मिलता है, तो इसलिए आप अपने फार्म का साफ़ सफाई पर ध्यान देंगे, बीच बीच में उनको
एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन और वैक्सीनेशन भी आप करते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में कोई भी ब्रीड को आप पाल सकते हैं, बस उन्हें बीमारी से बचाने की ज़रूरत होगी। तो साथियों, अगर आपको मुर्गी पालन का अनुभव नहीं है, पहली बार मुर्गी पाल रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम मुर्गी पालन से रिलेटेड वीडियो चैनल पे लाते रहते हैं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको और कोई परेशानी हो जाती है, आपकी मुर्गियों में कोई बीमारी देखने को मिलता है, तो मुझे 74 71 16 86 16 पे व्हाट्सअप करके उस बीमारी का दवा पूछ सकते हैं। और उसके लिए आपको करना ही है कि जो भी आपकी मुर्गी बीमार पड़ी हुई है उसका छोटा सा आप वीडियो बना देंगे और मुझे सेंड कर देंगे, तो मैं उसका इलाज आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं और आप चूजा मंगाना चाहते हैं, तो मुझे 74 71 16 86 16 पे व्हाट्सअप करें, मैं आपके एरिए के हैचरी का नंबर आपको दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।